वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IAS यात्रा में। आज का टॉपिक है बोलने की आज़ादी और न्यायालय की अवमानना। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि ये टॉपिक आपके UPSC मेंस की दृष्टि से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने UPSC मेंस 2020 के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ समझेंगे आर्टिकल 129, 215, 142 क्या है, मूलगांवकर सिद्धांत क्या है, अभिलेख न्यायालय क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। हम इन सभी विषयों के पर व्यापक चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ UPSC प्रीलिम्स की दृष्टि से जो मेन फैक्ट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मामला क्या है? राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक टिप्पणी की ट्वीट किए। उनके दो ट्वीट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए इसे न्यायालय की अवमानना करार दिया। इस टिप्पणी के लिए न्यायालय ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, परंतु प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन पर कार्रवाई हुई, बेशक न्यूनतम ही सही ₹1 का जुर्माना लगाया गया। आप न्यूज़ में पढ़ ही चुके होंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ट्वीट क्या थे? 27 जून को एक ट्वीट किया गया। जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र ख़त्म किया गया। इसमें वे इतिहासकार सुप्रीम कोर्ट, खासकर 4 पूर्व CJI की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। 29 जून को ट्वीट था, इसमें वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस SA बोबड़े की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फ़ोटो शेयर की। CJI बोबड़े की आलोचना करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। ट्वीट पर उभरा न्यायालय के अवमानना का विषय एक बार फिर यह सोचने पर विवश कर रहा है कि संविधान में नागरिकों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार कहां तक है। यह हम जानते हैं कि पिछले 2 दशकों में भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है और अधिकारों की मांग तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्व अधिक हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैंने यहाँ दैनिक जागरण, द हिंदू और द बिजनेस लाइन में छपे हुए एडिटोरियल्स जो न्यूज़ हैं उनको कवर करते हुए उनका एनालिसिस किया है UPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप UPSC मेंस में क्वेश्चन उसके लिहाज से और विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के लिहाज से। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति एक प्राकृतिक अधिकार है और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। हालांकि हम आमतौर पर यह मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि जीवन का समग्र अर्थ समझा जाए तो जीवन किसी व्यक्ति के जन्म और उसकी मृत्यु के बीच की अवस्था है जिसका आधार समाजशास्त्रीय अधिक है। ऐसी अवस्था में जीवन को केवल जैविक आधारों पर देखने वाला दृष्टिकोण संकुचित माना जाएगा। संकुचित कदाचित इसी कारण भारत के उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो मामला था 1978, उम्मीद करता हूँ आप इसके विषय में अच्छी तरह जानते होंगे, तो 21 के अर्थ का ना केवल, जो अनुच्छेद 21 है उसके अर्थ का ना केवल विस्तार किया गया और प्राण शब्द के अर्थ में मानव की गरिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 21 का संबंध विधि के शासन, मानव अधिकार तथा नैसर्गिक न्याय के आधारों पर अनुच्छेद 19 तथा 14 से स्थापित है। न्यायालय ने इन तीनों प्रावधानों को भारत के संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज कहा है। ऐसे में संबंध का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1) में शामिल मौलिक स्वतंत्रताएं परस्पर संबंधित हैं, अर्थात वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दूसरी ओर भारत में विधि का शासन प्रचलित होने के कारण कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अतएव यह या तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या अनुच्छेद 19 क्लॉज 2
6 में दिए गए आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में नागरिक अधिकार और उनका प्रयोग। ध्यातव्य हो कि हाल के वर्षों में सामान्य रूप से यह एक अवधारणा बन गई है कि लोकतंत्र की रक्षा तभी हो सकती है जब हमें अपने अधिकारों के प्रयोग की पूरी छूट मिले। यह विदित है कि किसी भी राज्य में नागरिकों और राज्य के बीच शक्ति संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे में संबंधों की गुणवत्ता पर राज्य की सुदृढ़ता निर्भर करती है। यदि किसी समय राज्य अपने प्राधिकार अथवा शक्ति का एक सीमा से अधिक प्रयोग करते हैं तो तानाशाही प्रवृत्तियां उभरती हैं। इसी प्रकार यदि नागरिक अपने अधिकारों का निरपेक्ष रूप से प्रयोग करें, एब्सोल्यूट प्रयोग करें, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, किसी दूसरे की स्वतंत्रता में आपकी स्वतंत्रता बाधक ना हो ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी स्वतंत्रता, आप अपनी स्वतंत्रता से इतना प्यार करते हैं, आपकी स्वतंत्रता इतनी प्रिय है, तो दूसरे व्यक्ति की भी स्वतंत्रता उतनी ही प्रिय है। तो आप अपनी स्वतंत्रता को जितना महत्व देते हैं उतनी दूसरे की स्वतंत्रता को भी महत्व दीजिए, ये देना होगा, तभी सभी की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है। अतः पूरी राजव्यवस्था के व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए शक्ति संबंधों का संतुलित होना अनिवार्य है। इसके लिए लोकतांत्रिक संविधान में नागरिकों के अधिकार और राज्य के प्राधिकार के प्रयोग की सीमा तय की जाती है। इसी संकल्पना को संविधानवाद कहते हैं। यह भी एक सत्य है कि जब हम अपने अधिकार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होते हैं तब हमारा ध्यान अपने कर्तव्यों के प्रति कम हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य हैं। आप अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तभी अधिकार भी आप ही के पास रहेंगे। विधि को भाषा में भी यह सर्वमान्य है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के इस तालमेल को स्थापित करने वाले दृष्टिकोण को उत्तर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कहा जाना चाहिए। यानी यदि हम अपने कर्तव्यों के पालन को प्राथमिकता दें और उनके सापेक्ष दूसरों के अधिकारों का संरक्षण होगा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन हम सभी के अधिकारों के संरक्षण का कारण बनेगा और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को न्यूनतम स्तर पर लाना अपेक्षाकृत सरल होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निरपेक्ष प्रयोग का एक उदाहरण कई अवसरों पर न्यायालय के अवमान के रूप में परिलक्षित होता है। इसी पृष्ठभूमि में यहाँ हम भारत में न्यायालय के अवमान से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। साधारण तरीके से अवमान को हम किसी संस्था के अपमान के रूप में देखते हैं, लेकिन जहाँ अपमान किसी व्यक्ति या संस्था के सम्मान को ठेस पहुँचाना है, वहीं अवमान के अर्थ में ऐसे कार्य या वक्तव्य शामिल हैं जो अवज्ञा से संबंधित हैं और निश्चित रूप से अपमानजनक होते हैं। भारत के संविधान में न्यायालय के अवमान से संबंधित कई प्रावधान हैं। अनुच्छेद 129 तथा अनुच्छेद 215 में क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। अभिलेख न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसके निर्णयों को भविष्य में संदर्भित करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है और जिसे अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि संविधान के अनुच्छेद 42 में उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय देने की शक्ति है, जिसे न्यायालय की आनुवांशिक शक्ति भी कहा जाता है। अर्थात किसी परिस्थिति में जब न्याय पूर्णतः बाधित हो गया हो तब न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग कर न्याय उपलब्ध कराता है। यह शक्ति हाल के समय में न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में अत्यंत लोकप्रिय हो गई है। अनुच्छेद 142 न्यायिक सक्रियता दोनों आपस में संबंध रखते हैं, एक ही बात है। कई उदाहरण हैं यहाँ जहाँ इसका प्रयोग कर संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की गई है, जैसे किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करना, जीवन के अधिकार के अर्थ में निजता के अधिकार को शामिल करना, और अयोध्या जो विवाद था, जो बाबरी मस्जिद जो विवाद था, उस मामले में भी इस अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया। न्यायालय के अवमान पर विधि बनाने की शक्ति स्वाभाविक रूप से संसद को प्राप्त है, जिसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 77 में ऐसा विषय रखा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय में अच्छी प्रकार भली प्रकार से जानते होंगे, सही तरीके से जानते होंगे। 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियाँ दी हुई हैं।
संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकते हैं और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मगर यदि दोनों कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 भी प्रचलन में है, जिसमें सिविल और दंडिक दोनों ही प्रकार के अवमान का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अवमान को हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करने वाला एक आधार भी बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि जो अवमान है उसकी आड़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि अवमान को हमारी अभिव्यक्ति, जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर उसको निर्बंधित करने वाला एक आधार भी बनाया गया है, इसको ढाल बनाया गया है। अवमान को हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करने वाला एक आधार बनाया गया है, इसको ढाल बनाया गया है। न्यायालय के अवमान से संबंधित इन प्रावधानों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस विषय पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन हाल ही में अधिवक्ता प्रशांत भूषण के ट्वीट पर उभरे विवाद ने इसे फिर से गंभीर बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने एस मुलगांवकर बनाम अज्ञात AIR 1978 का ये मामला है, उसमें दिए अपने निर्णय को आधार बनाया था जो विवाद का कारण बना है। इस निर्णय को मुलगांवकर सिद्धांत भी कहा गया है। अब ये मुलगांवकर सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, ये यहाँ जान लेते हैं। जिसके अनुसार न्यायाधीशों पर किए गए आलोचनात्मक आक्रमण है उसको गंभीरता से लेते हुए न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवमान की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों और स्वतंत्र आलोचना के अधिकार के बीच संतुलन बना रहे। ऐसे संतुलन की स्थापना सरल नहीं है और अधिकांशतः ऐसा निर्णय विवाद पैदा करता है। इसी प्रकार ब्रिटिश विधि प्रणाली में प्रचलित अनुपयुक्त प्रवृत्ति परीक्षण भी विवाद का एक बड़ा कारण है। इसमें न्यायालय केवल इस बात पर गौर करता है कि यदि किसी कार्य या वक्तव्य की प्रवृत्ति अनुपयुक्त है तो अवमान का मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही उस कार्य का वक्तव्य में अवज्ञा या अपमानजनक व्यवहार स्पष्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये वैसे आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका में, ब्रिटेन में इससे जुड़े, न्यायालय की अवमानना से जुड़े, अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े क्या क्या प्रावधान हैं। अवमान के आधार, अब्राहम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 1919 के एक मामले के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने अनुपयुक्त प्रवृत्ति परीक्षण में बदलाव की बात करते हुए, अभी हमने ब्रिटिश कानून में भी इसको देखा था, यह कहा गया है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर संवैधानिक रूप से वैध निर्बंधन लगाने के लिए स्पष्ट एवं तात्कालिक जोखिम, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर होना चाहिए। ब्रैंडनबर्ग बनाम ओहियो वर्ष 1969 का यह मामला है। US 444 मामले में अनुपयुक्त प्रवृत्ति परीक्षण की संकल्पना को पूर्णतः खारिज करते हुए स्पष्ट एवं तात्कालिक जोखिम की संकल्पना को और शक्तिशाली बनाया गया। इसके लिए सन्निकट विधिहीन कार्य, इमिनेंट लॉलेस एक्शन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इसके अनुसार अभिव्यक्ति पर निर्बंधन तभी लगाया जाना चाहिए जब उससे विधि का उल्लंघन सन्निकट हो। केवल अनुपयुक्त प्रवृत्ति को अवमान का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कल सोमवार यानी 31 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर सांकेतिक रूप से ₹1 का जुर्माना किया। ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा। साथ ही यह भी कहा कि भुगतान नहीं करने पर उन्हें 3 माह का कारावास तथा उन्हें 3 वर्षों के लिए विधि व्यवसाय करने से रोक दिया जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो ₹1 का जो जुर्माना है वो ना चुकाएं। न्यायालय का यह निर्णय इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से उनसे यह संकेत दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व बनाए रखते हुए उसकी सीमा निर्धारित हो। फ्रेंड्स, जुर्माना ₹1 का है, आप हंस रहे होंगे इस बात पे कि ये कैसा जुर्माना है, जुर्माना ₹1 का या माफ़ी मांगने की बात कहना। तो फ्रेंड्स, जुर्माना भर देने का अर्थ भी यही होता है कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है, आपने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आपने जो जुर्माना आपके ऊपर लगाया गया है वो आपने भरा है और आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। जुर्माना भरने का भी अर्थ ये होता है और माफ़ी मांगने का भी अर्थ यही होता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, आपसे गलती हुई है। तो इसीलिए
प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने दूसरे तरीके से जुर्माना लगाते हुए उन पर अपना शिकंजा कस दिया है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जुर्माना बड़ा हो या छोटा, उसका अर्थ यही होता है कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। तो न्यायालय का यह निर्णय इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से उनसे यह संकेत दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व बनाए रखते हुए उसकी सीमा निर्धारित हो। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में यह कहा है कि स्वतंत्रता सकारात्मक होनी चाहिए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली बात है। स्वतंत्रता हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी आधार पर न्यायालय ने यह कहा है कि दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए किसी नागरिक द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये होता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक होने का अर्थ ये होता है कि स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे की भी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि स्वतंत्रता तभी मायने रखती है जब सभी की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। फ्रेंड्स, क्योंकि केवल आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, आपको बोलने की आज़ादी हो, जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो, तो ये स्वतंत्रता नहीं है, ये तो नेगेटिव स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप यही है जिससे आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे के स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती हो, दूसरे के अधिकार भी सुनिश्चित होते हों। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हाल के विवाद को देखते हुए यह कहा जाना चाहिए कि किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायालय के अपमान के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे पहले नागरिकों के स्तर पर देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी कारणवश किसी संस्था, न्यायालय सहित में कार्यरत किसी व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी या प्राधिकारी कोई भी हो की आलोचना करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। लेकिन आलोचना करने के क्रम में यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि उससे संस्था की मर्यादा प्रभावित नहीं हो। यहाँ नागरिक का कर्तव्य बोध अत्यंत आवश्यक है, जिसका उल्लेख उत्तर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के रूप में किया गया है। दूसरी ओर, संस्थाओं के स्तर पर भी यह विचार किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा शक्ति का प्रयोग स्वेच्छाचारी नहीं हो। अतः उत्तर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अर्थात अधिकारों, प्राधिकार तथा कर्तव्यों के बीच परस्पर समन्वय ही ऐसे विवादों के समाधान का महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपस में कोऑपरेशन द्वारा ही सभी की स्वतंत्रता सुनिश्चित रह सकती है। इस बात का पूरा जो निचोड़ है वो यही है। इसीलिए अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों से आपको जितना प्यार है, उतना दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों से भी आपको प्यार होना चाहिए। तो क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकार सुनिश्चित रहेंगे तभी आपकी स्वतंत्रता भी सुनिश्चित रहेगी। तो सभी की स्वतंत्रता का बराबर मूल्य है फ्रेंड्स, तो सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करें। आज के टॉपिक में इतना ही। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं UPSC मेंस के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।